दोस्तों, आपने भी एक YouTube पर चैनल खोल रखा है और आप भी चाहते हो कि हमारा जो चैनल है, जो भी सर्च करे और हमारा चैनल फर्स्ट नंबर पे आए, फर्स्ट रैंकिंग पे आए, तो आपको मतलब कि आप जब आपने वीडियो मतलब बनाई है और आपका चैनल तब भी नहीं आ रहा फर्स्ट नंबर पे, और आप चाहते हो कि हमारा चैनल मतलब टॉप पर आए, जो भी बंदा हमारे चैनल सर्च करे हमारा चैनल पहले नंबर पे आए, तो आप ऐसे क्या करें? बहुत से लोग नहीं जानते कि चैनल फर्स्ट नंबर पे कैसे लाया जाता है, तो मैं आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊं कि अपने चैनल को आप पहले नंबर पे कैसे ला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इससे फायदा ये होगा, कोई भी बंदा आपका चैनल यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च करेगा तो आपका चैनल पहले नंबर पे आएगा। और कुछ आपको इसके लिए सेटिंग करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बताऊंगा। और मतलब कि जो नए यूट्यूबर होते हैं वो सेटिंग के बारे में नहीं जानते हैं और वो उसे अप्लाई नहीं करते, तो उनका चैनल मतलब वो करते हैं सर्च और बहुत नीचे कभी कभी आता है, कभी कभी वो ढूंढते रहते हैं, आता ही नहीं है, 30 नंबर पे, 40 नंबर पे ऐसे आता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपना चैनल फर्स्ट नंबर पे कैसे ला सकते हो। दोस्तों चलो, वीडियो लंबा ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल में नए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों में शेयर करिए जो यूट्यूबर हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त अभय, और स्वागत है आपका मेरे चैनल में टैग अभय पे। चलते हैं दोस्तों। दोस्तों अपना चैनल अगर आपको सर्च लिस्ट में लाना है तो आपके चैनल में कम से कम 3 वीडियो आपने अपलोड कर दी हो, तभी जो मैं आपको बताऊंगा प्रोसेस वो आपको मतलब अपने चैनल पर मतलब कि उसमें सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले आपको जाना है क्रोम में। मैं यहाँ पर क्रोम मतलब कि खोल दिया है मैंने, और यहाँ पर आपको यूट्यूब को कर लेना है सिलेक्ट। यहाँ मैंने यूट्यूब कर ली सिलेक्ट, और यहाँ पर आपको जाना है ऊपर वाली 3 लाइन में, यहाँ पर आपको कर लेना है डेस्कटॉप वर्जन। जी हाँ दोस्तों, डेस्कटॉप वर्जन जैसे मैंने यहाँ कर लिया है, अभी हमारा लैपटॉप और कंप्यूटर की तरह लग रहा है बिल्कुल। अब आपको जाना है, मैं आपको बताऊँ अपने जो चैनल का लोगो है वहाँ पर आपको क्लिक करना है एक बार। मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, और यहाँ पर सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है, आप देख रहे होंगे योर चैनल, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, मैं यहाँ मेरे चैनल का सारा मतलब डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, कस्टमाइज चैनल और यूट्यूब स्टूडियो। तो आपके दूसरे वाला मतलब ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर दे रहा है, यूट्यूब स्टूडियो पर। मैं यूट्यूब स्टूडियो पर यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ, ये हमारा यूट्यूब स्टूडियो खुल रहा है। यहाँ हमारा यूट्यूब स्टूडियो खुल चुका है। अब हमें जाना कहाँ है मैं आपको बताऊँगा। आपको जाना है यहाँ पर 3 लाइन पर। मैं आपको थोड़ा जूम करके यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। मैंने 3 लाइन पर गया, यहाँ पर थोड़ा जूम कर लूँ। यहाँ पर जाने के बाद आपको नीचे वाला ऑप्शन, पहले आपको बता दूँ कि 3 लाइन कौन सी है और कहाँ पर जाना है। पहले यूट्यूब स्टूडियो में आप एक बार क्लिक कर दीजिए। यहाँ मैंने यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक कर दिया। अभी यूट्यूब स्टूडियो पर मतलब कि खुल चुका है। आपका चैनल का लोगो है जो डेढ़े हाथ पर, उसके ऊपर वाली 3 लाइन ये वाली, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे वाला ऑप्शन सेटिंग का यहाँ पर आ रहा होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सेटिंग का, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको क्लिक कर दे रहा है। यहाँ पर आपको दूसरा मतलब कि ऑप्शन मिल रहा होगा, जनरल और चैनल, चैनल पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा मतलब कि यहाँ पर कैसे टैग्स लगे हुए हैं। मैं आपको दिखा दूँ कि आपको टैग्स कैसे लगाने हैं, जैसे कि ये सब मैं आपको आपके सामने लगा के दिखा देता हूँ कि आपको टैग्स कैसे, जैसे हम मतलब कि टैग्स लगाते हैं जब वीडियो अपलोड करते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर कीवर्ड लगाने होते हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे मेरे चैनल का टैग अब है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा टैग अब है, और टैग लगाने के लिए ये साइड वाला एरो का बटन यहाँ पर मैं इन्हें क्लिक कर दूँगा, ये हमारा एक कीवर्ड हो चुका है। ऐसे ही आपको अपने चैनल के मतलब कि जो भी नाम है उसको मतलब घुमा फिरा के लिखना है। अब मैं यहाँ पर लिख दूँगा अभय टैग, अभय टैग, ये मेरे 2 कीवर्ड हो गए। यहाँ और मैं लिखूँगा यहाँ पर मतलब जितने कीवर्ड की मतलब आपको वो जगह दी, वो आप सब सब भर दीजिए जो भी आपके चैनल के नाम से हो, या पर जो चल रहा हो ट्रेंड में वो भी आप लगा सकते हो। तो ऐसे ही कोई भी हमारा कीवर्ड करेगा सर्च, आपका चैनल नंबर 1 पे आ जाएगा अभय टैग। और हम मैं लिख दूँगा टेक्निकल अभय, टेक्निकल अभय, ऐसे ही मैं लिख दूँगा यहाँ पर टैग अभय।
बिना स्पेस दिए टैग अभय, ऐसे बिना स्पेस दिए अभय टैग ऐसे ही आपको मतलब पूरा भर देना है अब अपने चैनल के नाम से और जो चल रहा है ट्रेंड में उसके नाम से। तो मैं यहाँ पर वो पूरा भर देता हूँ और आप भी यहाँ पर पूरा भर दीजिए, ऐसे मैं लिख दूंगा अभय टेक्निकल। आप दोस्तों समझ गए हो कि आपको घुमा फिरा कर अपने चैनल का नाम यहाँ पर लिखना है और आपको कर देना है यहाँ पर सेव। मैं यहाँ पर इसे सेव कर देता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं भरूंगा लेकिन आपको पूरा भर देना है। मैं यहाँ पर सेव कर दे रहा हूँ, ये यहाँ सेव का ऑप्शन आ रहा है तो मैं यहाँ पर इसे सेव कर दे रहा हूँ। अब आप देख सकते हो मेरा ये सेव हो गया। मैं आपको अपना चैनल मतलब कि दिखाता हूँ सर्च करके मेरा चैनल फर्स्ट रैंक पे आए या फिर नहीं, एक बार चेक करवा दूँगा आपको। ऐसे ही आपको टैग मतलब कि कीवर्ड लगानी है, तो मैं टैग अब यहाँ पर सर्च किया और मेरा चैनल आप देख सकते हो आपके सामने फर्स्ट रैंकिंग पे आ चुका है और मेरी दोनों वीडियो यहाँ पर आ चुकी है। तो ऐसे ही दोस्तों आप अब भी आपने अपनी मतलब कि मैंने जो 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 आपको बताया वो आप अपने चैनल पर लागू कीजिए और आपका चैनल फर्स्ट रैंकिंग पे आ जाएगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कम सब्सक्राइबर हैं ज़्यादा आए, आप यहाँ नीचे देख सकते हो कि इनके मतलब 2 लाख करीब सब्सक्राइबर इनके 41 हज़ार, लेकिन मेरा चैनल सबसे ऊपर आ रहा है। तो वैसे ही आप भी अपने चैनल को सबसे ऊपर ला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आज की जो वीडियो में इतना ही, चैनल में चलो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।